हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करेंगे बोट रॉकर 330 प्रो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नेक बैंड के डिज़ाइन की, फीचर की और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, साउंड क्वालिटी की। मगर ये 1400 के प्राइस रेंज में इसको लेना वर्थ इट है या नहीं है, ये भी हम बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स जंप ऑन द वीडियो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बॉक्स के ओवरव्यू की और इसके अंदर क्या क्या फीचर दे रखे हैं उसकी। जैसा कि इसमें गिवन है 10mm का ड्राइवर आता है और हाँ IPS5 की रेटिंग के साथ आता है, जिससे ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं, वाटर रेजिस्टेंट। और ये डुअल पेयरिंग के साथ ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देता है, जिससे हम एक साथ दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसकी सबसे खास बात, ये 10 मिनट के चार्ज में 20 घंटे का बैटरी बैकअप देता है, ऐसा बोट क्लेम करता है। तो दोस्तों चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। पितृदेव, अनबॉक्सिंग का औजार दो। ओ आ गया, चलिए अनबॉक्स करते हैं। पितृदेव औजार लो। ओ गायब, चलो ये आ गया हमारा बोट का नेकबैंड। तो गाइस बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, क्या है। एक हमारा नेक बैंड, इसको ओपन करते हैं। इसमें बोट के पुस्तकें हैं और बोट के कुछ स्टिकर्स दे रखे हैं, एक और पुस्तक, और ये एक्स्ट्रा दो एयर टिप दे रखे हैं, और ये टाइप सी का USB केबल दे रखा है, और ये हमारा आ गया नेक बैंड। तो गाइस अब बात करते हैं इस नेकबैंड के डिज़ाइन की। तो ये वायर सिलिकॉन का बना हुआ है और ये काफ़ी सॉफ्ट है, और ये पूरा एरिया मेटल का बना हुआ है, जिसमें बोट की ब्रांडिंग है दोनों तरफ, और इसमें यहाँ पे डबल बैटरी लगी है, इसी की वजह से यहाँ के कंट्रोल इस वायर पे दे रखे हैं। और हाँ, बात करते हैं इस नेकबैंड के वायर की, जिसकी थिकनेस नॉर्मल नेकबैंड के वायर से ज़्यादा मोटी है, और हाँ रफ एंड टफ यूज करने में ये थोड़ी ज्यादा टिकेगी। अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स की, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक का है। यहाँ टाइप सी के चार्जर से हम इसको चार्ज कर सकते हैं, और 10 मिनट के चार्ज से 20 घंटे का ये बैटरी बैकअप देता है, ऐसा बोट क्लेम करता है। तो ये भी हम आपको चेक करके बता देंगे। यहाँ प्लस माइनस और बीच में फंक्शन बटन है, जिसकी वजह से हम कॉल पिक कर सकते हैं, गाना आगे पीछे कर सकते हैं, और हाँ यहाँ पीछे माइक दे रखा है कॉल के लिए। अब बात कर लेते हैं इस एयरबड की। ये बोट के नॉर्मल एयरबड जैसा ही है, और इसमें पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको यूज ना करें तो ऐसे गले का हार भी बना सकते हैं ऐसे। जोक्स अपॉन गाइस, ये 10mm के ड्राइवर लगे हुए इसमें, जिससे डेफिनेटली इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी होने वाली है। इसके अलावा इसमें 150mAh की बैटरी मिलती है, और हाँ ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, जिससे एक साथ में हम दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इसको पेयर करके देखते हैं। इसमें बीच में फंक्शन बटन को प्रेस करके रखना है थोड़ी देर, और फिर पीछे से लाइट ब्लिंग ब्लिंग हो जाएगी, यानी इसका मतलब यह पेयरिंग के लिए स्टार्ट हो चुका। और फिर यहाँ हम फोन में जाते हैं और इसको पेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इस नेकबैंड को थोड़ी देर यूज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये कैसा है। 2000 years later. तो गाइस इसको काफी देर यूज करने के बाद हमने इसमें गेम खेली, कॉल किया और वीडियो भी देखी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 10mm का ड्राइवर है, जिसकी वजह से डेफिनेटली इसका बेस बहुत अच्छा है। बेस लवर अगर आप नेकबैंड लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इसको सोच सकते हैं। इसमें बीस्ट मोड है, जिसको ऑन करके हमने गेम भी खेला, जिससे साउंड लिटरेसी काफ़ी हद तक ठीक तो हुई, मगर आप गेमर हैं तो इसे लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो गाइस ये थी बोट रॉकर 330 प्रो की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थिंक क्रिएटिव।